एनसीएल लगातार मनमाने तरीके से भूमि अधिग्रहण कर रहा है और विस्थापित लोगों को पुनर्वास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा। लोगों की समस्याओं को देखते हुए सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य ने और भारतीय विस्थापित संघ ने मिलकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों को इकट्ठा कर उनके साथ प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य और भारतीय विस्थापित संघ की अगुवाई में खदान का कार्य अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एनसीएल की जयंत एवं दूधीचुआ खदान के विस्तार के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के बदले लोगों को सही पुनर्वास योजना का लाभ न देने और भूमि अधिग्रहण में विसंगतियां एवं मुआवजा नीति को लेकर किया गया। सिंगरौली में प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि एनसीएल द्वारा सीबीए एक्ट के माध्यम से मढौली पंजरेहे चटका एवं मुहेर की भूमि अधिग्रहण का भुगतान भू अर्जन अधिनियम 2013 के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ 12% एडिशनल मार्केट वैल्यू के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन अन्य परिसंपत्तियां जो कि भूमि से संबंधित है, जैसे मकान, पेड़, बोरवेल, कुआं आदि के प्रतिकार पर 12% एडिशनल मार्केट वैल्यू नहीं दी जा रही है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के समय नौकरी अथवा प्लॉट एक या दो बार ही दिया जाता है, तीसरी या ज्यादा नौकरी बताकर वंचित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिग्रहण में रिहायशी विस्थापितों को जो कि सीबीए एक्ट धारा 9 के पूर्व रहवासी का प्रमाण प्रस्तुत करे, उन्हें प्रति बालिक व्यक्ति को 40-60 का प्लॉट दिया जाए या प्लॉट की राशि 8,00,800 दी जाए। इसी प्रकार दूधीचुआ क्षेत्र के पात्र विस्थापितों को भी, जिन्हें प्लॉट अभी वर्तमान तक नहीं दिए गए हैं, उन्हें भी प्लॉट की राशि 8,00,000 दी जाए। इन तीन मुख्य मांगों सहित कुल 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र में जोड़ा गया, जिसके बाद घंटों विचार करने पर जयंत जीएम सहित एनसीएल मुख्यालय के अधिकारी गणों ने लोगों की जायज मांग को मानते हुए उन्हें अति शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। मजदूर संघ के बैनर तले आज आंदोलन किया गया। एनसीएल शासन को नोटिस दे करके आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। आज कुल मिला के ये है कि प्रोजेक्ट में 80 से 2000 में जो विस्थापित थे, घर बना के वो जड़ भी गए, पर उनको प्लाट न मिला ना तो उसके बदले कोई पैसा नहीं। एक ये संबंध था जिस पर आज निर्णय हुआ कि अब 40x60 का प्लाट उनको जयपुर में दिया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।